मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह भारतवर्ष की भूमि है। सभी घरों में उस दिन उत्सव हो, और उत्सव एक दिन का नहीं, हमारे मन में, हमारे स्वभाव में वो त्याग तपस्या बलिदान का, वो हमारे स्वाभिमान का गौरव हर क्षण होना चाहिए। हर घर में राम का, कृष्ण का, हर घर में सीता सावित्री का, हर घर में रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गा सीता सावित्री का चरित्र होना चाहिए। यह चरित्र हमको जीना है। केवल इतिहास पढ़ना नहीं, इतिहास गढ़ना है। युवाओं का चरित्र देश का चरित्र है, इसलिए हमारी माताओं बहनों को सावधान होना है। यह गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली जो लॉर्ड मैकाले ने तोड़ दी थी और देश को तोड़ने का काम शुरू किया था कि भारतवर्ष के युवाओं का, युवतियों का चरित्र, उनका जो ज्ञान बल है, उनका जो तपो बल है, उसको नष्ट करिए। और लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति ऐसी लागू की कि हम अपने गौरव को, अपने स्वाभिमान को भूल गए। हमको उस गौरव को जगाना है, उस मातृभूमि का ऋण चुकाना है जिसके लिए लाखों करोड़ बलिदानियों ने अपना खून, अपना पसीना, अपनी कुर्बानी दी है। हर घर में ऐसा पाठ हो, ऐसा स्वभाव हो। मैं विशेषकर मातृशक्ति यहां इतने संख्या में बैठी है, और महिला पतंजलि योग समिति जो एक गौरव है हम सबका कि नारियां देश की गर संभल जाए तो, देवियां राष्ट्र की गर संभल जाए तो, राष्ट्रवीर से जगत गुरु बन जाएगा, ओम का ध्यान हो वेद का ज्ञान हो, वेद का ज्ञान हो ओम का ध्यान हो, पाप तापों का अवसान हो जाएगा, नारियां देश की गर संभल जाए तो। आपने राम लक्ष्मण, आपने भरत शत्रुघ्न, आपने योगेश्वर कृष्णचंद्र और सभी महापुरुषों को जन्म दे करके, उनको शिक्षा दीक्षा दे करके देश के गौरव को बढ़ाया है। इसलिए आज वही चरित्र की आवश्यकता है। अपने चरित्र को, अपने इस सनातन पुरातन परंपरा को, ऋषि परंपरा को अक्षुण बनाए रखने के लिए हर पल योग, अध्यात्म और ऋषि परंपरा से अनुप्राणित होकर के, अब सिंचित होकर के अपनी संतानों का निर्माण करना है। केवल खेल कूद में जीवन बिताना यह बात नहीं, केवल भोग विलासिता में जीवन को बिताना यह बात नहीं, यह बात है योग और यज्ञ के साथ अपने सनातन पुरातन परंपराओं के गौरव को बढ़ाना। क्योंकि भोग करेंगे रोग बढ़ेगा। विद्या से संपन्न हो, ज्ञान से संपन्न हो, और घर परिवार संसार हमारा सुखी हो। केवल इस बात के लिए नहीं कि मेरा और तेरा, मैं और तू तू की भावना को छोड़ करके अपने को अयम निजा परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम यत्र विश्वम भवत्येक निडम। ये हमारा पूरा परिवार, ये पूरा संसार परिवार है, और जहां परिवार है वहां पर प्यार है, वहां पर टकरार नहीं, वहां पर परस्परता है, वहां पर सदाचार है। इस बात को हमको जीना है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपने योग से, योग आज सबकी आवश्यकता है। घर घर योग जाकर के सिखाना, लोगों को योग से जोड़ना, क्योंकि योग ही ऐसी शक्ति है जो हमको रोगों से बचाएगी, मानसिक रोगों से बचाएगी, शारीरिक रोगों से बचाएगी, परिवार को टूटने से बचाएगी। ये एक ऐसी शक्ति है जिसका आज पूरी दुनिया ने लोहा माना है। बड़े से बड़ा वैज्ञानिक, बड़े से बड़ा डॉक्टर इस बात को आज स्वीकार करता है। भारतवर्ष की जो पुरानी परंपरा है, योग की परंपरा है, आयुर्वेद की परंपरा है, वास्तव में वो अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत वैज्ञानिक परंपरा है। इसको हमको जीना है। और दुनिया में कोई ताकत बचा नहीं सकती हमको रोगों से। हमको रोगों से बचना है, बचाना है, अपना जीवन भी अच्छा बनाना और संसार को भी एक दिशा देनी है। क्योंकि जहां भोग है वहां रोग है। भर्तृहरि बहुत सुंदर कहते हैं कि भोगे रोग भयम कुलेचते भयम वीते नृपालाद भयम,
मौने दैन भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम काई कृता ताद भयम सर्वम वास्तु भयान्वितम भुवि निर्णाम वैराग्य मे वा भयम वैराग्य मे वा भयम। हमको एक पल के लिए भी अपने स्वधर्म का स्वकर्म का प्रतिकूल आचरण नहीं करना है। हमको जो अपने शास्त्रों से मिलता है, हमको अपने जो सनातन पुरातन परंपरा से मिलता है, उसको आत्मसात करना है। और आज यहां एक संकल्प लेंगे कि हर घर में गीता गायत्री गौ माता गुरु और गंगा का जो अनुष्ठान उसको करना है। हर घर में गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, महाभारत दूसरी वाली नहीं जो उठते ही शुरू कर देते हैं, वो महाभारत की बात नहीं करते। ऐसे भी लोगों ने शब्द चुने हैं कि हमारी सनातन परंपरा को वो ऐसा बनाए कि घर में महाभारत हो रही। अरे लड़ाई झगड़े छोड़ करके प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक अपने जीवन को जीना, करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे ओ, लेके जग से बुराई मत जाना रे, करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे। घर आए को भगवान समझना, खुद अपना सा इंसान समझना, कभी बोलना ना झूठ, कभी करना ना लूट, कभी बोलना ना झूठ, कभी करना ना लूट, न किसी को कभी भी तू सताना रे ओ, लेके जग से बुराई मत जाना रे। बंदे कभी बनना ना अभिमानी, कुछ लोग अभिमान कर बैठते, मैं ही कर रहा हूं और मैं ही जो कहूंगा जो करूंगा वो सारी दुनिया करे, लेकिन ये अभिमान अच्छा नहीं है। अभिमान एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। जो जीवन में स्वाभिमान के साथ जीता है, वास्तव में उसी का गुणगान सारा संसार करता है। बंदे कभी बनना ना अभिमानी, ईश्वर के आगे चले ना बेईमानी, ईश्वर लेगा हिसाब, दे ना पाए तू जवाब, तब तो तुझको पड़ेगा पछताना रे ओ, लेके जग से बुराई मत जाना रे। करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे। सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल, न किसी को कभी भी तू सताना रे। तो एक संकल्प यहां से आज लेकर के जाएंगे कि हर घर में योग का, पूरे जिले में नहीं अपितु पूरे प्रदेश में, आपको ऐसा इस कार्य का ध्वजावाहक बन करके, ध्वजवाहक बन करके इस तिरंगे को, अपनी आन बान शान को, अपनी मातृभूमि की शान को आगे बढ़ाना है, क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है। अपने कर्तव्य में हम बलिदान हो जाए तो वास्तव में ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी पहचान होगी। कितने लाखों लोग एक मिनट में जन्म लेते हैं, लाखों लोग जन्म लेते हैं एक मिनट में, और लाखों यहां से चले भी जाते हैं। याद रखना, जिनका जीना और जिनका जाना इस संसार ने जाना, उसका जीना सफल नहीं तो निरर्थक है। हमारा जीना और हमारा जाना, इस संसार को जानना चाहिए। इसलिए हम अपने रोम रोम से अपने कर्तव्य का स्वबोध करें। यदि माता के रूप में, पिता के रूप में,
पत्नी के रूप में, पति के रूप में, बहन के रूप में, भाई के रूप में, बेटी के रूप में, बेटे के रूप में यदि हमको अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना, एक सच्चे सैनिक की तरीके, एक सच्चे आदर्श साधक की तरीके जीवन को जीना है, तो एक ही शक्ति है, योग हम प्रतिदिन करें, योग करें और कराएं, अध्यात्म के साथ जीवन को जिए। मैंने निवेदन किया है कि जैसे इस्लाम को मानने वाले लोग, चाहे छोटा घर हो बड़ा घर हो, चाहे गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, उसके घर में क्या मिलती है? कुरान मिलती कि नहीं मिलती, बोलिए ना। हर इस्लाम मानने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों घर में कुरान मिलती कि नहीं? जो सिख भाई हैं, अपने सिख शब्द शिष्य शब्द से निकला है, जो सरदार भाई हैं, उन हर घरों में गुरु ग्रंथ साहिब मिलेगा। जो ईसाइयत को मानने वाले हैं उनके यहां बाइबिल मिलेगा। हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा ईमानदारी से, यदि हाथ मैं उठवाऊं तो सबके घरों में गीता नहीं मिलेगी। कितने घरों में गीता है एक बार हाथ उठाइए ईमानदारी से। आप में से आधी पब्लिक के यहां भी नहीं है गीता। याद रखना, आज ही या कल गीता, रामायण, महाभारत रखिए और रख करके केवल अगरबत्ती नहीं करना, उसको पढ़ना, वैसे अपने बच्चों को, अपने संतानों को गढ़ना। छोटे छोटे बच्चों को गीता रामायण सिखाइए, आपके बच्चों में वो सामर्थ्य आएगा। आपके यत्र विश्वम भौतिक नीडम और नारी यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, सबसे पहला गुरु माँ है, दूसरा गुरु पिता है, और तीसरा गुरु तो जान देने वाला, वो आगे है। ये हमारा कर्तव्य अपने घरों में गीता रामायण का, वेद उपनिषद का, दर्शनों का पाठ जरूर करें। यदि ऐसा करेंगे तो आपका घर स्वर्ग बनेगा। ऐसे कितने लोग अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, एक बार हाथ उठाइए। अच्छा, ये और बाकी लोग नर्क बनाना चाहते हैं क्या? अपने घर को स्वर्ग कितने लोग बनाना चाहते हैं, एक बार हाथ उठाइए। टेक्निकल खराबी कई की हाथ में। स्वर्ग घर को बनाना है। और अच्छा देखो, मरने के बाद लोग बोलते हैं स्वर्गवासी हो गया। अध्यक्ष जी, मरने के बाद लोग बोलते हैं अमुक व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया। अरे मरने के बाद कोई जानता है क्या कहां गया? वो नरक में गया कि स्वर्ग में गया? अपने जीते जी अपने घर को स्वर्ग बनाइए और स्वर्गवासी हो जाइए, ठीक है ना? मेरी बात समझ गए? अपने जीते जी अपने घर को स्वर्ग बनाइए और स्वर्गवास करिए। स्वर्गवासी नहीं जो मरने के बाद जाते हैं। एक श्लोक बोल करके, उसकी व्याख्या करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक श्लोक सभी नौजवान सुनेंगे, सभी युवा युवतियां। अपने मनसा वाचा कर्मणा, क्या कहा? मनसा वाचा कर्मणा। हम जैसा बोलते हैं, जैसा मन में है वैसा बोलते हैं, और जैसा बोलते वैसा हो जाते हैं। घर को स्वर्ग बनाने के लिए आचार्य चाणक्य ने कुछ बातें बताई हैं, आपको बताता हूं मैं। ना विप्र पादो दक कर्द मानी, ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, शमशान तुल्यानि गृहाणितानि। स्वर्ग और नरक दो बातें हैं, स्वर्ग और नरक में अंतर क्या है? आचार्य चाणक्य ने एक दिन नगर में टहलते हुए कुछ लोगों से चर्चा की, तो कुछ लोगों ने कहा कि आचार्य आप यहां नगर में टहल रहे हैं, ऐसे टहलते नहीं हैं। तो कहा मैं नगर में जो शमशान है उसको खोज रहा हूं। क्या खोज रहा हूं? शमशान। कुछ बुद्धिमान लोग थे, डॉक्टर विश्वास जैसे, कहा अरे आचार्य आप नगर में शमशान खोज रहे हैं, शमशान तो नगर में नहीं होते, नगर के बाहर होते हैं।
बोले नहीं, एक शमशान नगर के बाहर और एक शमशान नगर के अंदर होते हैं। बोले कैसे? तो उन्होंने श्लोक बताया कि ना विप्रपादोदक कर्दमानी। याद रखिए, सनातन पुरातन परंपरा क्या है? हम क्या कहते हैं? अतिथि देवो भव। क्या बोलते हैं? अतिथि देवो भव। यह हमारी परंपरा थी। लोग लिखते थे घरों में अतिथि देवो भव, फिर लिखने लगे स्वागतम, फिर लिखने लगे शुभ लाभ, और अब क्या लिखते हैं बड़े बड़े शहरों में? कुत्ते से सावधान। क्या लिखते हैं? अब गुना में किसी ने लिखा हो तो नहीं पता है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में लिखते हैं कुत्ते से। अब वो अपने कपड़े थोड़े फड़वाने आएगा आपके घर में। तो आचार्य कहते हैं कि जिन घरों में विद्वान धार्मिक निस्वार्थ भाव से जो राष्ट्र की सेवा के लिए आता है व्यक्ति, उसका स्वागत नहीं होता तो वो घर शमशान के समान है, और घर में अतिथियों का सम्मान है तो वो घर स्वर्ग के समान है। पहली बात। दूसरी बात, कहा कि ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी। जिस घर में वेद उपनिषद गीता रामायण के श्लोक और मंत्रों का गान नहीं होता, जिन घरों के बच्चों के मुख में, उनकी जुबान में वेद वाणी नहीं है, जिन घर के बड़ों में वेद का ज्ञान नहीं है, स्वाभिमान नहीं है, जो श्लोक गीता के नहीं गाते, वो घर भी शमशान के समान है। और यदि स्वर्ग बनाना है तो स्वाध्याय करिए, गीता रामायण उपनिषद का स्वाध्याय करिए, और बच्चों को भी वही सिखाइए, उनको जीना सिखाइए, तो घर आपका क्या बनेगा? स्वर्ग बनेगा। ना वेद स्वास्थ्य शास्त्र ध्वनि गर्जितानी। अगली बात बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी। क्या कहा? स्वाहा स्वधाकार। दो चीजें बताई, स्वाहा और स्वधाकार। स्वाहा स्वाहा करके जिस घर में रोज आहुति नहीं होती, हमारा ये पुरातन परंपरा का क्या भाव है? हर घर में रोज यज्ञ होता था। होता था कि नहीं? आप बड़े पढ़े लिखे यहां सब बैठे हैं, अंग्रेजी में घर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाउस नहीं कहते, होम कहते हैं। क्या कहते हैं? होम, HOME, होम। होम अंग्रेजों ने जान लिया कि जिस घर में रोज होम होता है वास्तव में वही होम है, और हम भूल गए। कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में रोज यज्ञ होता है? एक बार हाथ उठाइए, जोरदार ताली बजाइए इन लोगों के लिए। कुछ सीख करके जाना है। भोपाल गैस त्रासदी सबने सुनी है, सुनी ना, और इतिहास में वो लिख गया काला दिन। जहां रोज यज्ञ होता है जिन घरों में, उन घरों में कभी कोई बीमार नहीं होता। सब मिलकर के जब स्वाहा स्वाहा करके आहुति देते हैं तो उस घर में प्यार होता है, परस्परता होती है, और वो घर स्वर्ग के समान बनता है। लेकिन कई ऐसे घर हैं जहां साथ में ना बैठते ना खाते हैं, होटल में जाते हैं और लड़ते झगड़ते हैं, दिलों में दरार है और घरों में दीवार है, तो कैसे स्वर्ग बनेगा घर? स्वर्ग बनाना है तो आप रोज घर में यज्ञ करिए। ये हमारी पुरातन परंपरा, ऋषि परंपरा है। और स्वधाकार, अपने से बड़ों का आदर करना, माता पिता गुरुओं का आदर करना। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अपने बड़ों की सेवा करना। हमारे यदि इतिहास को उठा करके देखेंगे तो आपको ब्रह्मचर्य आश्रम मिलेगा, आपको गृहस्थ आश्रम मिलेगा, आपको वानप्रस्थ आश्रम मिलेगा, आपको संन्यास आश्रम मिलेगा, लेकिन कहीं पर आपको जो लोग अपने माता पिता को जब वृद्ध होते हैं तो कहां छोड़ जाते हैं? वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, सेवा नहीं करते। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आश्रम का मतलब यह है कि उस आश्रम में, आश्रम जब अपना पूरा तप हो, पूरी प्रतिष्ठा हो और जीवन के प्रति, जगत के प्रति निष्ठा हो, तो वो घर वास्तव में स्वर्ग के समान हो जाता है।
तो घर घर में योग यज्ञ हवन हो, बड़ों का सम्मान हो, तब जाकर के हमारा घर स्वर्ग बनेगा। तो एक जो संकल्प आपने लिया है, एक बार हाथ उठाइए सभी और संकल्प लीजिए। मैं संकल्प लेता हूं, बहनें बोलिंग लेती हैं, ठीक है ना, कि अपनी सनातन पुरातन परंपरा के लिए, अपने योग धर्म के लिए, अपने आयुर्वेद धर्म के लिए, स्वदेशी धर्म के लिए, माता पिता गुरु के लिए, अपने राष्ट्र धर्म के लिए, सदा सर्वदा सर्वत्र उद्यत रहूंगा। मैं कभी भी कोई नशा, कोई अधर्म, कोई अन्याय नहीं करूंगा। मेरा यह संकल्प है अपना और दूसरों का, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का आदर करूंगा। इस मानव जीवन को सफल करूंगा। बोले भारत माता की, वंदे वंदे, ये संकल्प लिया है। और योग करना कराना स्वदेशी का 100% प्रयोग करना है।